بسم اللہ الرحمن الرحیم वेलकम बैक टू एनमडिकेट फिजिक्स प्रिपरेशन क्लास फील्ड क्या होता है आफ्टर कूलम्स लॉ देयर इज अ टॉपिक दैट इज अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन पहले समझना होगा कि फील्ड क्या है फिर इसके बाद हम जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ तो द रीजन अराउंड अ बॉडी वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट बाय अनदर बॉडी फील्ड या yeah, हम इस तरह भी कह सकते हैं द रीजन अराउंड अ बॉडी वेर इट्स इफेक्ट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाई एनदर बॉडी स्कॉल फील्ड या हम इस तरह भी कह सकते हैं द इफेक्ट अराउंड अ बॉडी स्कॉ फील्ड ठीक है तो इसका जो डिफिनेशन है ये एम सी क्यू में आ सकता है ठीक है There are two types of field, there is vector field and scalar field. Vector field, kya hai? the field which possess proper or specific direction is known as vector field. For example, gravitational field, electric field, magnetic field, resistive field, जितनी भी फील्ड्स है मतलब आ, आपके पास रेजिस्टिव फील्ड है फ्रिक्शनल फील्ड है एयर रेजिस्टेंस फील्ड है तो ये विक्टर फील्ड में आते हैं ठीक है फिर विक्टर फील्ड के फर्दर जो है टू टाइप्स है एक को आप कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड क्या कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड और एक को आप कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फील्ड आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर फोर फर्स्ट ईयर में ठीक है तो ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों क्या है कंजर्वेटिव फील्ड है और रेजिस्टिव जितनी भी फील्ड है ये हम डालते हैं नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में क्लियर होगी बात नाउ नंबर टू क्या है ये है स्केलर फील्ड द फील्ड विच हैज नो प्रॉपर डायरेक्शन नो स्पेसिफिक डायरेक्शन इज नोन एज स्केलर फील्ड इसको हम क्या कहते है? हैं स्केलर फील्ड कहते हैं फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर फील्ड इसको हम कहते हैं हीटर ठीक है तो हीटर का जो फील्ड है टेम्परेचर का जो फील्ड है ये ऑल डायरेक्शन में होता है इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता इस वजह से इसको हम कहाँ पर रखते हैं स्केलर फील्ड में रखते हैं ठीक है प्रेशर फील्ड क्या होता है तो प्रेशर फील्ड भी है मतलब जो पास्कल प्रेशर है यह हर डायरेक्शन में होता है देर इज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन ठीक है इस वजह से इसको हम कहाँ पर रखते हैं आ, स्केलर फील्ड में रखते हैं क्लियर होगी बात ना हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जाते हैं उसकी तरफ फील्ड ऑफ फोर्स या इसको हम कहते हैं electric field the mechanism by which electric force is transmitted there are two theories wo mechanism jisme electric force transmit hota hai iske base pe do theories hain theek hai ek ko hum kehte hain action at a distance theory और एक जो फिर ने इंट्रोड्यूस किया था फील्ड थ्योरी जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं समझ हुई बात की सो so, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशन क्या है द रीजन आर स्पेस अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छा एक्शन एट अंस थ्योरी यह आ सकता है ठीक है ठीके? अब देखो विदाउटार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तो पासबल नहीं है यहां पे एक चार्ज पड़ा हुआ है ठीक है इस में इसका फील्ड है यहां पर भी है यहां पर भी है यहां पर भी है और इस डायरेक्शन में भी है इस डायरेक्शन में भी है लेकिन हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते ठीक है ना फिर तो हर डायरेक्शन में है एक्सप्रेसिव डायरेक्शन तो है आउटवर्ड डायरेक्शन में है अगर ये नेगेटिव हो तो फिर हम कहेंगे कि ये क्या है ये इनवर्ड डायरेक्शन होगा ठीक है अब यहाँ पर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इसका मैग्नीट्यूड कितना है इसको तो हम मालूम नहीं कर सकते हाँ रियल फील्ड है हम कहते हैं रियल फील्ड है ठीक है यहाँ पे फील्ड इतना मौजूद है अगर हम फॉर एग्जांपल एक मेटल है एक मेटल का दरवाज़ा है उसमें करंट मौजूद है तो जब एलफ्यूशन आते हैं तो वो हाथ नहीं लगाते वो टेस्टर के जरिए टेस्ट करता है कि वाकई इसमें करंट है या करंट नहीं है ठीक है तो टेस्टर ये क्या होता है टेस्ट चार्ज होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम करते इसका स्ट्रेंथ को मालूम करते तो इसको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं देखो यहाँ पे द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नंबर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अब इस डिफिनेशन से और इस डिफिनेशन से ऐसे तो पता नहीं चलता कि इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या है हाँ दोनों डिफिनीशन ठीक है दोनों एम सी क्यू में आ सकता है कि ये डिफिनेशन है किस चीज के इलेक्ट्रिक फील्ड एंडी के डिफिनेशन है ना अगर हम मैथमेटिकल डिफिनिशन पढ़े ठीक है तो फिर वो क्या होगा द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टिस्चार्ज या पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं क्लियर होगी बात क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं फॉर एग्जांपल यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है इस तरफ भी है इस डायरेक्शन में भी है इस डायरेक्शन में भी है ठीक है ठेके? और यहां पे इक्टिस चार्ज हम लेके आ रहे हैं इस डायरेक्शन में अब पता तो नहीं चलता कि यहाँ पे ये फील्ड कितना है लेकिन जब ये फील्ड लाइन और ये फील्ड लाइन एक दूसरे के साथ ओवर लेपिंग करें मतलब यहाँ पर आ जाए तो फिर पता लग जाता है कि ये इस डायरेक्शन में दोबारा जाएगा क्यों क्योंकि यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं हमेशा के लिए ठीक है तो इसके दरमियान असल में रिपल्सिव फोर्स होता है क्या बन जाता है रिपल्सिव फोर्स होता है तो रिपल्सिव फोर्स किसके दरमियान है इस सोर्स चार्ज के दरमियान और इस टेस्ट चार्ज के दरमियान क्लियर होगी बात इस सोर्स चार्ज के दरमियान और टेस्ट चार्ज के दरमियान इस वजह से हम कहते हैं द इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज या पर यूनिट टेस्ट चार्ज अगर ये रिपेल हो गया तो यहाँ पे

इसका वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड दोनों एमसीक्यूज में आ सकता है ठीक है ये भी MCQs में आ सकता है नोट करें और ये भी एम सी क्यूज में आ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जाम्पल ऑफ डैश 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 फील्ड वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड दोनों का एग्जाम्पल है क्लियर होगी बात मैथमेटिकली इसको हम लिख सकते हैं एफ डिवाइड बाई क्यू नॉट या वी डिवाइड बाई डी ये हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर के थर्ड नंबर लास्ट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियल ग्रेडियंट ठीक है डायरेक्शन ऑफ ई क्या होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्चार्ज इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है ना

इसका जो डायरेक्शन होगा वो सिंगल होगा फिर जो इसको एक्सप्लेन किया है ये फील्ड टू फील्ड इंटरेक्शन की वजह से या फील्ड टू फील्ड इंटरेक्शन की जगह हम इनडायरेक्ट वर्ड भी यूज कर सकते हैं क्या यूज कर सकते हैं इनडायरेक्ट इंटरेक्शन या इनडायरेक्ट कोलिजन और ये आपने कहा पर पढ़ा है चैप्टर नंबर थ्री में मोशन एंड फोर्स कोलिजन में टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट वहां पर बेटा आपने ये पढ़ा है सेकंड टाइप है इसका इनडायरेक्ट कोलिजन या फील्ड टू फील्ड कोलिजन है क्लियर हो गई बात नाउ नंबर थर्ड पॉइंट क्या है विदाउट उट चार्ज नॉट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बता चुका हूं मैयर नहीं, नहीं कर सकते ये इतना इंपॉर्टेंट है ना है? इसके बाद क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद हमने ये निकाला है इज इक्वल टू के का वैल्यू मैंने लगाया है के का वैल्यू क्या है कूलम ना मैं ये फाइंड आउट कर चुका हूं कि वन फोर पाई एप्सलान नॉट इंटू एप्सलान आर तो मैंने यहाँ पर के का वैल्यू पुट किया तो क्या आ गया क्यों डिवाइड बाई फोर पाई एपसलान नॉट एपसलान आर इंटू आर या क्यों डिवाइड बाई फोर पाई नॉट आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाईन आर ये हमारा मेन फार्मूला है किस चीज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अब यहां पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी केस नंबर वन फॉर वैक्यूम अगर वैक्यूम हो तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा ईवी मैं डायरेक्ट लिखता हूं क्यों डिवाइडेड फोर पाई एप्सलन नॉट आर स्क्वायर क्योंकि एप्सलन आर का वैल्यू यहां पर क्या है वन किस चीज के लिए वैक्यूम के लिए केस नंबर टू इन केस ऑफ मेटल अगर दो चार्जेस के दरमियान मेटल हो तो फिर ई वी ये क्या होगा ये जीरो होगा ई वी की जगह नहीं ई मेटल हम लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मेटल तो ये जीरो है क्यों क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी मेटल के लिए क्या है इंफिनिटी है बता चुका हूं फर्स्ट लेक्चर में और वन वर इंफिनिटी ये बराबर है किस चीज के जीरो के नाउ केस नंबर थ्री इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर एनी डाय इलेक्ट्रिक मीडियम एनी इलेक्ट्रिक तो वो क्या होगा ई e, एम is equal to e v divided by epsilon r ठीक है डिवाइड बाय एप्सलन आर वही फार्मूला है जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए लिखवाया था लेकिन वहां पर क्या था एफ था और यहां पर क्या है ये एम है तो मतलब ये जाहिर हुआ कि यहां पे जो ई e एम है ये क्या है ये लेस आर इक्वल टू EV के है। वही फार्मूला है मैं लिखता हूं इज एक वी सेकेंडली यहाँ पे हम कहते हैं कि ई वी से शर्त क्या होगा शर्त यह है यहां पर आर का वैल्यू वन के बराबर होगा और यहां पर शर्त क्या है कि एफ्सलान आर का वैल्यू वन से ग्रेटर होगा लेकिन कम होगा किस चीज से इंफिनिटी से ठीक है फिर यहां पे इसको हम फर्दर लिख सकते हैं ऐसे भी और से देखें इंपॉर्टेंट रिलेशन से एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है ई एम ये वाले लिखता हूं ई एम बाय ईवी ई वी इज इक्वल टू वन कब वन होगा जब एफ एल आर इज इक्वल टू वन हो फिर ई e एम डिवाइडेड इज़ लेस देन वन कब होगा जब परमिटिविटी का वन वैल्यू वन से ग्रेटर हो और लेस हो इन्फिनिटी से क्लियर गई बात इसको उल्टा करें कैसे ई e वी डिवाइडेड बाईम ही ग्रेटर है वन से कब वन होगा वन से ग्रेटर होगा जब ग्रेटर हो वन से एफ सेन आर का वैल्यू ग्रेटर हो वन से और इन्फिनिटी से कम हो तो इस तरह के एम सी जा सकता है फर्दर मोर यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पर देखो आर ई एम डिवाइडेड बाय ई ये ई मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया तो डिवीजन में आ गया यहाँ पर क्या रह जाएगा वन ओवर एफ सेन रह जाएगा अब इसको उल्टा करें कैसे हो जाएगा मतलब इसको मैं लिख ले सकता हूं इस तरह कि डिवाइडेड बाय ये किस चीज के बराबर होगा ये भी उल्टा होगा ना तो ये बराबर होगा एप्सिलॉन क्लियर होगी बात अब बता चुका हूं कि पंजाब बुक में एप्सिलॉन बलूचिस्तान की बुक में क्या है केपी की बुक में क्या है ठीक है लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं दिखा चुका हूं लिखवा चुका हूं तो वो देखे और इसके साथ कंपेयर करें अगर जर्मेनियम के लिए है तो टू में लिखूंगा अगर रबर है तो यहां पे अगर जर्मेनियम है तो यहां पे सिक्सटीन आ जाएगा अगर रबर लिखू तो यहां पे टू आ जाएगा अगर वाटर लिखू तो यहां पे सेवेंटी एट आ जाएगा अगर एयर लिखू तो वन पॉइंट जीरो जीरो सिक्स आ जाएगा अपट टू सोन एंड सोफा तो वो लेक्चर को अच्छी तरीके से याद रखें और ये वैल्यूज ऑफ परमिटिविटी जो है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए ये इंपॉर्टेंट है इमसिक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में आप लोग इसको यूज़ करेंगे ठीक है इलेक्ट्रिक फोर्स में आप यूज़ करेंगे पोलराइजेशन में आप इसको इस्तेमाल करते हैं uh, कैपेसिटर में आप यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आप यूज़ करेंगे तो ये इतने इंपॉर्टेंट है ये सारे वैल्यूज़ आपको याद करना पड़ेगा तकरीबन एलेवन वैल्यूज़ है या ट्वेल्व वैल्यूज़ है लेकिन आप लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं वो ठीक है मतलब ये है कि एम सी क्यूज उसके ज़रिए आप ठीक करेंगे तो उसको ज़रूर पढ़ें ठीक है नाउ नेक्स्ट जाते हैं यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट है फॉर एमसी यूनिट मैं लिखवा दूस यूनिट क्या है या स्टैंडर्ड यूनिट क्या है वो दो यूनिट है एक को हम कहते हैं न्यूटन परकूलम ये इसको अक्सर हम लिखते हैं न्यूटन पर कूलम और दूसरा है ओल्ट पर मीटर और इसको भी हम लिखते हैं पर मीटर ये दोनों एम में आ सकते हैं और ज्यादातर ये वाले एम में आते हैं ओल्ट पर मीटर पर मीटर वाला ये ज्यादातर एम में आ सकता है क्लियर है ये बात ना यहां पर देखें ये फर्स्ट वन एफ डिवाडे बाई क्यू से आया है और सेकंड वन वी डिवाइड बाई डी से आया है जो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला मैंने लिखवाया था क्लियर हो गए ये बात ना नंबर टू डेराइव यूनिट से कौन से यूनिट से डिराइव यूनिट तो देखो एक तो हम ये वन लिख सकते हैं जो ऊपर हमने लिखे हैं नंबर वन न्यूटन पर कूलम बिल्कुल करेक्ट है नंबर टू ओल्ट मीटर बिल्कुल करेक्ट है लेकिन ओल्ट किस चीज़ के बराबर है जॉल पर कूलम के बराबर है कि नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा इस तरह भी जॉल पर कूलम पर मीटर लिख सकते कि नहीं लिख सकते एमसीक्यूज के लिए तो याद रखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा कंपैरिजन करना होगा और डीप जाना होगा हर एंगल से एक टॉपिक को पढ़ा, पढ़ना और पढ़ाना ठीक है याद करना कंसेप्ट क्लियर करना ये का आप लोगों का याद रखें ठीक है प्रैक्टिस इस पर बार बार करें नाउ नंबर थर्ड इसका जो यूनिट है ये कौन सा यूनिट होगा बेस यूनिट होगा कौन सा यूनिट है बेस यूनिट तो बेस यूनिट क्या होगा देखिए यहां पे न्यूटन किस चीज के बराबर है ये बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड के बराबर। कूलम कूलम किस चीज के बराबर है एम्पेयर एन टू सेकंड के बराबर है अगर यकीन नहीं आ रहा तो मैं जल्दी से यहां पर ड्राफ्ट कर दो एफ इज इक्वल टू एम एन तो यहां पे किलोग्राम Square, और, uh, T, तो तो पर मीटर पर सेकंड स्क्वेयर और क्यू इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई टी तो कूम इज इक्वल टू एमपेयर मल्टीप्लाई बाई पर आ जाएगा क्या किलोग्राम मीटर पर एम्पेयर सेकंड क्यूब दिस इज बेस यूनिट ऑफ बेस यूनिट ऑफ व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एमसीक्यूज में आ सकता है आप लोगों ने देखा होगा कि पिछली है जो पीएमसी एम नोटिस लिए थे उसमें यूनिट्स बहुत ज़्यादा आई थी ठीक है तो इसको याद करना बहुत लाजमी है नाउ डायमेंशन क्या होगी आपने यूनिट्स पढ़ लिया तो अब डायमेंशन या एक डायमेंशन है यहाँ से बेस यूनिट से हम हमेशा के लिए निकालते हैं किलोग्राम की जगह हम लिखते हैं मास एम मीटर की जगह लेंथ एल सेकेंड्स क्यूब की जगह थी पावर माइनस थ्री और ये आगे ए पावर माइनस वन द डायमेंशन ऑफ मास इन इलेक्ट्रिक फील इंटेंसिटी इज वन द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन इलेक्ट्रिक फील इंटेंसिटी इज वन द डायमेंशन ऑफ टाइम इन इलेक्ट्रिक फील इंटेंसिटी इज माइनस थ्री द डायमेंशन ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिक फील इंटेंसिटी माइनस वन इसको याद रखें इसी तरह जो मैंने बोल लिया क्लियर हो गई बात ना रिलेशन की तरफ जाते हैं रिलेशंस क्या होंगे अच्छा जी तो रिलेशंस क्या होंगे यहां पर देखिए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फीन इंटेंसिटी विद डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज अच्छा जी तो देखिए यहां पर एक तो आपने अभी पढ़ लिया कि E इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाईरा ठीक है नंबर टू आप पढ़ेंगे इसी चैप्टर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने पढ़ा है फ्लक्स ठीक है तो यहां पे जो ई बराबर है वो क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया एमसीक्यूज आ सकता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू एरिया गिव्स यू यूनिट ऑफ़ किस चीज का यूनिट देता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट देता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू एरिया गिव्स क्या देता है एफ डिवाइड देता है या वी डिवाइड बाई डी देता है दोनों देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इट गिव्स न्यूटन पर कूलम और साथ में ओल्टीटर भी देता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देता है समझ अब यहां पे नंबर थर्ड पे आ जाए गाजला में आप लोगों ने इसको पढ़ा है। एप्लीकेशन ऑफ़ में याद रखिए, शबश। क्या पढ़ा है ला में देखो एप्लीकेशन में आपने ये पढ़ा है ना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू बाय एप्सिलॉन नॉट या ट्यूब नॉट तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू सिग्मा सिगमाग्मा डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट अभी सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट किस तरह e के देखो ये ई ए के बराबर है कि नहीं है सो ई इज इक्वल टू दिस वन और ए आ जाएगा यहां पर देखिए इ e

इस मुख्तलिपे आ सकते हैं नो जो इसके बाद लेक्चर है इसमें मैं इंशाला डिस्कस करूंगा टेस्ट में भी आ सकता है जो टॉपिक वाइज़ है ठीक है नंबर फोर अब यहाँ पे आपने मैगज इक्विशन में पढ़ा है मैग्जुलवीशन में आपने क्या पढ़ा है ई इज इक्वल टू ए डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी और यहां पे है टू टू पाई आर पड़ा है पढ़ा या है। है है नहीं पड़ा मतलब टेस्ला मीटर पर सेकंड ऐसे क्या आता है टेस्ला मीटर पर सेकंड आता है तो टेस्ला मीटर पर सेकंड हमें क्या देता है टेस्ला मीटर पर सेकंड हमें न्यूटन पर कूलम देता है ये हमें देता है ओल्ट पर मीटर देता है ये हमें देता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिवाइड बाय एरिया देता है ये हमें देता है इलेक्ट्रिक फिर इंटेंसिटी इंटू ए डिवाइड बाय एफ्सरा नाट देता है ये हमें देता है वी डिवाइड बाय डी देता है देता है कि नहीं देता कुछ समझ आ रही बात की कि नहीं आ रही मेरा मतलब है मेन वो याद रखिए बेटा ठीक है कि ये हमने पढ़ा है मैक्सवेल uh, इक्वेशंस में चैप्टर नंबर फिफ्टीन uh, में जो आप लोगों के कोर्स में भी शामिल नहीं है सिलेबस में भी शामिल नहीं है लेकिन यहां इलेक्ट्रिक फील इंटेंसिटी है ना जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है तो प्रॉपरबिली चांसेस है कि यहां से MCQs लाया जाए ठीक है नंबर फिफ्थ जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हम बार बार पढ़ते हैं इज इक्वल टू वी डिड बाई डी तो इससे भी एम सी क्यूज़ के चांसेस है ठीक है खैर ये और ये तो हमने स्टार्ट से पढ़ा है कि ईज इक्ल टू एफ बाई क्यू या इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई बी वी डिवाइड बाई डी इसके अलावा जो अदर रिलेशन है ये अभी हमने पढ़ लिया क्लियर हो गई बात तो ऐसे एम सी क्यूज आ सकते हैं टेस्ट में कि टेस्ला मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू डैश 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 तो कंफ्यूज तो हो जाएंगे उस टाइम तो अब अगर आप लोगों को ये रिलेशंस पता है ये रिलेशंस याद है तो ऑटोमेटिकली ये इजीली आप लोग क्लियर करेंगे ठीक है इस लेक्चर का टेस्ट में लूँगा मतलब टॉपिक वाइज वो टेस्ट है फिर लास्ट में चैप्टर के लास्ट में फिर अगेन में चैप्टर वाइज टेस्ट लूँगा अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा मिलते हैं एक और लेक्चर में अल्लाह हाफिज़